बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारा आज का टाइटल है कंडक्शन ऑफ हीट इन सॉलिड्स। इसमें हमने मैथमेटिकल मॉडल बनाना है हीट इक्वेशन का, यानी हमने हीट इक्वेशन ड्राइव करनी है। वी कंसीडर अ डोमेन डी स्टार, कोई रीजन है डी स्टार और हम उसको कंसीडर कर रहे हैं। बाउंडेड बाई अ क्लोज सरफेस बी स्टार सरफेस ने उसे क्लोज किया हुआ है। लेट यू विच इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी एंड टाइम टी, यानी स्पेस कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी और टाइम का ये फंक्शन है यू, और इसको वो क्या कह रहा है यू को आगे बी द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है एट अ पॉइंट एक्स वाई जी एंड टाइम टी। इफ़ द टेम्परेचर इज नॉट कॉन्स्टेंट, अगर ये कॉन्स्टेंट नहीं है सरफेस पे उस रीजन में, हीट फ्लोज फ्राम प्लेसेज ऑफ हायर टेम्परेचर टू प्लेस ऑफ प्लेसेज ऑफ लोअर टेम्परेचर। तो ये रूल है हीट ट्रांसफ़र का कि हीट ने हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जो है वो फ्लो करना है। मिसाल के तौर पे आप गर्म जो है वो चाय का कप रखते हैं एनवायरनमेंट में, तो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम है और चाय का जो है वो ज़्यादा है, तो टाइम थोड़ा सा गुजरेगा तो जो हीट है वो माहौल में ट्रांसफ़र हो जाएगी। इस तरह से आप ठंडे पानी का गिलास रखें तो कुछ देर बाद जो है वो ठंडा नहीं रहेगा। तो क्या है, माहौल से जो है वो हीट जो है वो एनवायरनमेंट से पानी की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र हो गई है। तो ये रूल है कि हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जो है वो हीट ने फ्लो करना होता है। फोरियर ला स्टेट्स दैट द रेट ऑफ फ्लो इज़ प्रोपोर्शनल टू द ग्रेडियंट ऑफ द टेम्परेचर। अब ये जो रेट ऑफ फ्लो है, यानी हीट ने ट्रांसफ़र तो होना ही होना है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, लेकिन ये जो ट्रांसफ़र रेट है ये ज़्यादा होगा अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा, यानी अगर दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम है देयर विल बी नो हीट ट्रांसफ़र, ज़ीरो ट्रांसफ़र है, ज़ीरो रेट है। और अगर टेम्परेचर जो है वो डिफरेंस जो है वो ज़्यादा है तो जो ट्रांसफ़र का रेट है वो भी ज़्यादा होगा। दस द वेलोसिटी ऑफ द हीट फ्लो इन एन आइसोट्रॉपिक बॉडी इज़, तो इसका ये जो फोरियर लॉ है उसकी अगर मैथमेटिकल शक्ल लिखें तो ये वाली इक्वेशन जो है वो इसको डिस्क्राइब कर रही है कि स्पीड ऑफ द फ्लो जिसको वी कह रहा है इज़ प्रोपोर्शनल टू ग्रेडियंट यू। अब ये यू है इसको हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं कि ये टेम्परेचर है, और ग्रेडियंट यू का क्या मतलब है, डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर, और ये जो के है ये प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ कांस्टेंट है, वेयर के इज़ अ कांस्टेंट कॉल्ड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द बॉडी। ये बॉडी की जो टाइप है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना कंडक्टिव है, तो हायर कंडक्टिव है लोअर कंडक्टिव है, जैसा भी है हर एक मटेरियल के लिए के की वैल्यू अलग है, तो लेकिन हर मटेरियल के लिए ये फिक्स है। तो बहरहाल अगर आप मटेरियल को एक दफ़ा फिक्स कर लें तो जो ट्रांसफ़र रेट है, ये मैं दोबारा ये जो अभी इक्वेशन ऊपर इसको मैंने हाईलाइट किया इसको मैं दोबारा इसको वो करता हूँ कि अगर एक दफ़ा मटेरियल जो है वो फिक्स कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि के आपने फिक्स कर लिया है, तो फिर जो वी है वो सिर्फ़ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये इस ग्रेडियंट यू के ऊपर, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसमें ये बात की जा रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द टेम्परेचर हीट ट्रांसफ़र इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडीज़। आगे चलते हैं, लेट डी बी एन आर्बिट्रेरी डोमेन, लेट डी बी एन आर्बिट्रेरी डोमेन बाउंडेड बाय अ क्लोज सरफेस बी इन डी स्टार, यानी जो मेन डोमेन थी जो प्राइमरी डोमेन हमने कंसीडर की थी वो डी स्टार है, और उसमें से कोई हिस्सा जो है वो डी ले लें और उसके ऊपर जो सरफेस अब इस डी के ऊपर आएगी उसका नाम अगर आप बी रख दें, देन द अमाउंट ऑफ हीट लीविंग डी पर यूनिट टाइम इज़ गिवन बाई दिस इक्वेशन। तो ये सरफेस इंटेग्रल है,
सरफेस जो है वो हमने अभी ये आपने पीछे देखा है, मैं इसको दोबारा वो करता हूँ। ये बी जो है ये सरफेस है और इसके में से जो है वो हीट जो लीव कर रही है वो जो है वो ये सरफेस इंटीग्रल के ज़रिए ये आ रहा है। अब वी एन क्या है, सरफेस इंटीग्रल ऑन बी लगा दिए और ये जो डी एस जो है वो उसका जो है वो जो सरफेस है उसका स्मॉल एलिमेंट डी एस। तो ये वी एन क्या चीज़ है, वेयर वी एन इज इक्वल टू वी डॉट एन, डॉट प्रोडक्ट है ये वेलोसिटी वो जो स्पीड ऑफ टेम्परेचर थी हीट ट्रांसफ़र की, और एन जो है ये नॉर्मल वेक्टर है सरफेस के ऊपर। तो अगर आप इन दो का प्रोडक्ट लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो इससे हमें जो है वो क्या मिलेगा कि वी का वो कंपोनेंट, डॉट प्रोडक्ट हमें क्या देता है, अगर एन जो है वो यूनिट वेक्टर है तो फिर डॉट प्रोडक्ट वी के साथ ये क्या मिलेगा कि वी का फ्लो, वी का कंपोनेंट इन द वी का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ दिस नॉर्मल वेक्टर एन। अब अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो जो है वो ये जो वी एन की वैल्यू है जो है वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड यानी वी मैग्नीट्यूड और एन मैग्नीट्यूड एंड आगे आ जाता है कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन दम कॉज थीटा। और अगर दोनों पैरेलल हैं यानी दोनों के दरमियान में जो है वो एंगल जो है वो ज़ीरो है, तो कॉस ज़ीरो आपको पता है कि वो वन होता है, तो लिहाजा ये जो वी एन है ये उस सूरत में जो है वो मैक्सिमम होगा। बैरल डॉट का प्रोडक्ट जो है ये क्या आपको दे रहा है, वी का कंपोनेंट एन की डायरेक्शन में। सो वेयर वी एन, दोबारा पढ़ता हूँ, वेयर वी एन इज़ द कंपोनेंट ऑफ वी इन द डायरेक्शन ऑफ आउटर यूनिट नॉर्मल ऑफ बी, दस बाई गॉस थ्योरम या डाइवर्जेंस थ्योरम, कैलकुलस से आपने इसको पढ़ रखा है। तो डाइवर्जेंस थ्योरम से हमें क्या मिलेगा, डाइवर्जेंस थ्योरम से हमें ये मिलेगा कि ये जो सरफेस इंटीग्रल है बी, ये सरफेस इंटीग्रल को उसने कन्वर्ट कर दिया है वॉल्यूम इंटीग्रल में। अगर आप इसको देखें थोड़ा सा, तो ये जो ऊपर वाला है मैं इसके ज़रा इसको लिख लेता हूँ v, और डॉट प्रोडक्ट वाली शक्ल में v और यहाँ पे क्या है डॉट n, और साथ में ये जो डी एस लिखा हुआ था ये भी आप लिख लें। तो ये अब आप इसको ये लिख सकते हैं कि ये इसके इक्वल है, और अब जो ये है फिर इसी से ही आप ये वाली बात कर सकते हैं, जहाँ भी आप इसको डाइवर्जेंस थ्योरम को कैलकुलस की किताब में देखेंगे, थॉमस विनी वाली किताब में देख लें या जेम्स स्टीवर्ट वाली किताब देख लें, तो उसमें आपको इस शक्ल में ये जो मैंने बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट ये जो मैंने एडिट करके लिख के दिया है, ये सरफेस इंटीग्रल और ये इसमें कन्वर्ट होता है वॉल्यूम इंटीग्रल में। तो क्या है ये ट्रिपल इंटीग्रल, मतलब उस डोमेन के ऊपर, और यहाँ पे ये डाइवर्जेंस और यहाँ पे के जो थर्मल कंडक्टिविटी थी, ग्रेडियंट यू ये वो टेम्परेचर डिफरेंस, और ये डी एक्स डी वाई डी जी ये वो बॉडी हो गया जहाँ से ये ट्रांसफ़र की हम बात कर रहे हैं। तो इसको जो है यहाँ से आप इस लाइन के ऊपर आते हैं, तो क्या लिखा हुआ है, के जो है वो चूंकि कांस्टेंट है थर्मल कंडक्टिविटी, ये यहाँ पे बाहर निकाल के लिख दिया, और बाकी ये जो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट यू है ये डेल स्क्वायर यू के बराबर है। अब ये कैसे इसके बराबर है, ये हम एक और डॉक्यूमेंट खोलते हैं और उसमें जाके देखते हैं कि वैसे सादा है, ये काम आपने किया हुआ होगा ऑलरेडी, यकीनन किया होगा, नहीं भी किया होगा तो दूसरा एक डॉक्यूमेंट है वो मैं खोलता हूँ, साथ में इसको अपलोड भी कर दूँगा पोर्टल के ऊपर, तो ये देखते हैं कि ये कैसे इक्वल है।
पहले ज़रा डेफिनेशन देख लेते हैं ग्रेडियंट वेक्टर की। ये ऊपर टाइटल है डेफिनेशन, इफ एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई देन द ग्रेडियंट ऑफ एफ इज इक्वल टू पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स आई प्लस पार्शल एफ बाई पार्शल वाई जे। ये ग्रेडियंट की जो है ये डेफिनेशन है। हमारे पास वो वेक्टर चूँकि यू है जो टेम्परेचर जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इस एफ़ की जगह पे आप यू लिख लें तो ये आपका जो है वो ग्रेडियंट वेक्टर बन जाएगा इन टू डायमेंशंस। और अगर आपने वन डायमेंशन की बात करनी है तो फिर सिर्फ आई कंपोनेंट वाला ले लेंगे, दूसरे वाले को नहीं लेंगे। और अगर थ्री डायमेंशन की बात करनी है तो तीसरा डायमेंशन भी ऐड कर दें, पार्शल बाई पार्शल जी और यहाँ पे आई जे और साथ में के लगा दें। ये नीचे दिया हुआ भी है फॉर अ फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स, तो ग्रेडियंट वेक्टर जो है वो आपका जो है वो ये आप देख लें कि डेल एफ दिस इज इक्वल टू पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स वाई के लिहाज से भी है उसका डेरिवेटिव और जी के लिहाज से भी है। तो ये ग्रेडियंट वेक्टर की डेफिनेशन हो गई। आगे डाइवर्जेंस है उसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ एफ, अगर आपके पास एफ जो है वो कोई वेक्टर है और उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो पी है क्यू है और आर है, ये उसके कंपोनेंट्स हैं पी क्यू आर, तो जो डाइवर्जेंस है वो जो है वो इस एफ का वो इस इक्वेशन के ज़रिए दिया जाता है। अब ये इक्वेशन उसने जो है वो नीचे बताया है कि ये जो डाइवर्जेंस है ऑफ एफ है दिस इज़ इक्वल टू डेल डॉट एफ, दिस इज़ इक्वल टू डेल डॉट एफ। अब डेल किस चीज़ के इक्वल है, डेल ये आप इस लाइन को देखें, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये डेल ऑपरेटर है डेरिवेटिव वाला। और एफ़ जो है ये अभी हमने ऊपर देखा है जो पी प्लस क्यू प्लस आर, तो आप इसका ये जो डेल है ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ दोबारा से, इस डेल का और इस एफ़ का डॉट प्रोडक्ट ले लें तो आपके पास ये चीज़ आएगी। वो नीचे लेके दिखाया हुआ भी है मैंने, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक एग्जांपल है, ये सॉल्व है डाइवर्जेंस कैलकुलेट करने की, इसको आप देख लीजिएगा, ये इसको सॉल्व करना है आपने। एक लाइन की है एग्जांपल, क्या एक लाइन की है, जस्ट एक लाइन की, इसको आप सॉल्व कर लें। अब ये आगे जो है ये डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट वी जो है ये कैलकुलेट किया जा रहा है। ये सादा सा है, आप खुद कर सकते थे, कोई मसला नहीं, लेकिन ये इस डॉक्यूमेंट में जो हम असल हमारी जो है वो चल रही है, यहाँ पे ये क्या था जब ये माइनस के जो है वो यहाँ बाहर चला गया है तो बाकी जो यहाँ पे बचा था वो माइनस के यहाँ से बाहर चला गया ना अगले स्टेप में, तो यहाँ पे जो चीज़ बच गई है वो क्या चीज़ बच गई है, यहाँ पे बच गया डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट यू। तो अब ये डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट यू जो है ये कैसे डेल स्केयर यू के बराबर आता है, इसको हम जो है वो देखना चाह रहे थे, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट वहाँ पे यू है, यहाँ पे मैंने वी लिख दिया, कोई मसला नहीं है, आप यू ही लिख दें नो प्रॉब्लम। तो डाइवर्जेंस जो है वो ऑपरेटर जो है वो कैसे काम करता है, अभी ऊपर डाइवर्जेंस का हमने किया है ना, ये डाइवर्जेंस जो है वो डॉट प्रोडक्ट दे, तो ये डाइवर्जेंस के लिए ऑपरेटर हो गया और ये ग्रेडियंट वी, यानी ग्रेडियंट वी ये चीज़ है और डाइवर्जेंस के लिए जो है वो डॉट प्रोडक्ट ले लेना हमने डेल के साथ। तो अब जो डेल है ये डेल की वैल्यू हमने रख दी है और ये जो डाइवर्जेंस ऑफ यू है ये डाइवर्जेंस रख दिया, ये बाकी जगहों पे मैंने यू ही लिखा है, यहाँ पे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे मैंने वी लिखा हुआ है, आप इसको भी यू कर लें, इसको करेक्ट कर लें, यहाँ पे यू की जगह पे इसको क्या कर दें वी कर दें, जो डॉक्यूमेंट मैं अपलोड करूँगा उसको मैं ये ठीक कर दूँगा, यहाँ पे यू ही लिखा हुआ होगा। तो ये डेल है और ये क्या चीज़ है, डेल यू है। अब चूंकि डॉट प्रोडक्ट है इन दोनों का तो डॉट प्रोडक्ट लें, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ,
ये सारा जो है ये बन जाएगा और आईजे के जो है वो डॉट प्रोडक्ट में मैनेज हो जाएंगे। और यहाँ पे आके फिर आप यहाँ से ये जो तीनों क्वांटिटीज़ हैं, ये यू तीनों क्वांटिटीज़ में जो है ये यू मौजूद है, यू को कामन ले लें। कामन मैंने नहीं लिया हुआ डॉक्यूमेंट में, मज़ीद मैं उसको भी कर दूँगा। तो जब इसको कामन ले लेंगे, यू बाहर चला जाएगा और अंदर जो बचेगा वो क्या बचेगा, वो डेल स्क्वायर ही बचेगा। तो ये भी इंशाल्लाह मैं इसको जो है वो एक स्टेप बीच में है वो उसको मैं करके दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। आप इसको जानते हैं समझते हैं, तो ये एग्जांपल ज़रूर सॉल्व कीजिएगा डाइवर्जेंस इस फंक्शन का फाइंड करने के लिए। असाइनमेंट भी दी जाएगी, वो भी कोई ऑलमोस्ट इसी तरह की होगी। आगे है, बट द अमाउंट ऑफ हीट इज़ गिवन बाय। अब हाँ, अमाउंट ऑफ हीट किसी बॉडी में देखना है तो क्या है कि ये जो डी एक्स डी वाई डी जी है, ये तो इंटेग्रल के साथ आ गया, वो बॉडी का वॉल्यूम हो गया। यू जो है वो टेम्परेचर है, रो जो है वो डेंसिटी है, और ये जो सिग्मा है साथ में, ये क्या है स्पेसिफिक हीट, ये नीचे दिया जा रहा है। डेल रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ एंड सिग्मा इज़ द स्पेसिफिक हीट। तो अगर आपने उसको टोटल हीट की अगर आपने बात करनी है तो इंटेग्रल आपको सम देता है। तो ये सारी जो बॉडी के जितने भी वो एलिमेंट्स हैं उन सब का जो है वो आप इंटेग्रल लेने से क्या होगा, ये टोटल हीट आ जाएगी। हीट और डेंसिटी, डेंसिटी इस जाहिर है वो मैथ्स के लिए कि बॉडी बड़ा है या उसमें मैथ ज़्यादा है तो हीट भी उसमें ज़्यादा होगी, और अगर बॉडी छोटा है तो उसमें हीट भी जो है वो कम होगी। तो ये टोटल जो हीट है वो इसके ज़रिए आ रही है। अच्छा, अज्यूमिंग दैट द इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर इंटरचेंजेबल, देन द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द हीट इज़। अब टोटल हीट जो थी वो तो ये 3.5.3 इक्वेशन जो ये ऊपर वाली है इससे आ रही है टोटल हीट, और डिक्रीज़ जो है वो क्या होगा, वो इस यू के ऊपर जो है वो रेट लगा दें जिस तरह से वो डिक्रीज़ हो रही है उससे ये डिक्रीज़ हो रहा है। और डेरिवेटिव इंटरचेंजेबल की उसने बात की है, तो ये रेट ऑफ डिक्रीज़ जो है वो बाहर पार्शल बाई पार्शल टी आपने लगाना था। तो अब ये इंटरचेंजेबल की उसने बात की है कि ये जो ऑपरेटर है ये इंटेग्रल के अंदर भी जो है वो जा सकता है, लिहाजा अब आपको इक्वेशन 3.5.4 में ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ हीट है। यहाँ पे आगे चलते हैं, सिंस द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द हीट मस्ट बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द बॉडी लीविंग द सिस्टम पर यूनिट टाइम। अब जाहिर है जितना हीट जो है वो सिस्टम से निकल गया है, जितना निकल गया है उतनी ही पीछे कमी हो जाएगी ना, तो लिहाजा जो रेट ऑफ डिक्रीज है दैट मस्ट बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द हीट लीविंग द बॉडी। तो अब इन दोनों चीज़ों को जो है वो अभी जो हमने ऊपर इनको बनाया है के ये जो दो क्वांटिटीज़ हैं, एक ये 3.5.4 वाली और सॉरी 3.5.2 वाली और ये जो 3.5.4 वाली है, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ये अमाउंट जो है रेट ऑफ डिक्रीज़ वाली है, ये रेट ऑफ डिक्रीज़ वाली है, और ये वाली कौन सी है, ये अमाउंट ऑफ हीट लीविंग द बॉडी, ऊपर अभी हम ये बात कर रहे हैं इसकी। तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अब
आप ये जो लेफ़्ट साइड वाली क्वांटिटी है इसको इस साइड पे ले आएँ, इसको इस साइड पे ले आने के बाद इंटीग्रल जो है वो चूंकि सेम है दोनों का, इंटीग्रल ऑपरेटर वो कॉमन ले लें। जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर जो चीज़ बचेगी वो ये वाली चीज़ बचेगी, ये वाली। अब वो यहाँ पे कहते हैं कि ये इंटीग्रल जो है ये नीचे तफसील जो ये नीचे जो ये आ रही है जिसको मैं अभी लाइनें लगा के हाईलाइट कर रहा हूँ, इसमें ये बता रहा है कि इंटीग्रल जो है ये ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी वो प्रॉपर्टी यही है कि ये इस तरह से नहीं है। इंटीग्रल ऑपरेटर है और ऑपरेटर जो है वो उसका जो मीनिंग है वो ये नहीं है कि वो ज़ीरो हो, तो लिहाजा जिसके ऊपर इंटीग्रल अप्लाई किया जा रहा है वो ज़ीरो के इक्वल है। अब अगर ये चीज़ ज़ीरो के इक्वल है तो फिर क्या करें, आप ये लिख लें कि ये ज़ीरो के इक्वल है। मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, आप इसको यहाँ पे सिर्फ इतनी चीज़ को जो ब्रैकेट के अंदर है इसको लिख लें कि ये ज़ीरो के इक्वल है। जब ये ज़ीरो के इक्वल है तो फिर हम ये कह सकते हैं, आप ये जो माइनस के डेल स्केयर इसको आप दूसरी साइड पे ले जाएं, इसको आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये आ जाएगा रो, ये चीज़ बन जाएगी, ये जो माइनस है ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे इक्वालिटी का साइन अपेयर हो जाएगा। अच्छा, अब इक्वालिटी का साइन, तो यहाँ से आप यू टी को जो है अलग कर रहे हैं, बस ये एक्चुअली ये मैं 3.5.6 बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से आप यू टी को एक साइड पे रखें और सिग्मा और रो को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दें, तो आपके पास आ जाएगा ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि म्यू टी दिस विल बी इक्वल टू के कैपिटल और डिवाइड हो जाएगा सिग्मा रो और साथ में आ जाएगा डेल स्केयर यू के इक्वल। अब ये जो के कैपिटल है और सिग्मा और रो है इसको आप अगर कैपा का नाम दे दें, ये छोटा सा कैपा, जैसे वो अल्फा बीटा गामा है ग्रीक को जो सिंबल्स हैं उनमें जो है ये एक कैपा भी है, तो आप इस ये जो मैंने अभी ये जो बनाया है कोफिशेंट बनाया डेल स्केयर यू का, यानी के कैपिटल और डेल्टा और सिग्मा, तो ये अगर आप इसको कैपा का नाम दे दें तो आपके सामने जो इक्वेशन है ये वाली 3.5.6 ये आपके पास बन जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल के है, यहाँ पे पिछली वाले जो इक्वेशन है वहाँ पे क्या है कैपिटल के है, वो थर्मल कंडक्टिविटी है, और ये वाला जो कैपा है अब ये अभी हमने इसको बनाया, ये नीचे उसकी उसने वैल्यू दे भी दी है कि वेयर कैपा इज इक्वल टू कैपिटल के ओवर सिग्मा पी, इसके इक्वल है, दिस इज नोन एज द हीट इक्वेशन। तो अब ये इस इक्वेशन ये जो 3.5.6 है इसके बारे में ये कह रहा है कि दिस इज़ द हीट इक्वेशन।